हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो मेरी केदारनाथ की है। इस वीडियो को पूरा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, और ये व्लॉग मेरा काफ़ी टाइम बाद आ रहा है तो पूरा हेलो सपोर्ट एवरीवन, कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम लोग ले जा रहे हैं जन्नत में। सोचिए कहाँ ले जा रहे हैं आपको। कानपुर की जन्नत, पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कि आज केदारनाथ धाम का उसको रूप दिया गया है। चलिए अभी आप लोग को थोड़ी देर में उसके दर्शन कराते हैं। आपको ये वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी। आज केदारनाथ जी के दर्शन कराएंगे आप लोगों को। और अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग पहुँच गए मंदिर, चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच गए केदारनाथ मंदिर। काफ़ी प्रॉब्लम के बाद हम लोग का कैंसिल हो रहा था, आना हो रहा था, कैंसिल हो रहा था, आना हो रहा था, पर अब फाइनली हम लोग आ गए हैं। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं आप ये नज़ारा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी गाइस। काफ़ी दूर से लोग आए थे पशुपति मंदिर दर्शन करने केदारनाथ जी का, और काफ़ी भीड़ थी ये। कैसा लग रहा है आपको अपनी सिटी में केदारनाथ जी? काफ़ी लंबी लाइन लगी है, काफ़ी भीड़ है। इतनी लंबी लाइन लगी है। कैसा लग रहा है मम्मी केदारनाथ दर्शन करने में? अच्छा लग रहा है, पता नहीं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेडीज़ की लाइन अलग लगी थी और जेंट्स की लाइन अलग लगी थी, और इतना ज़्यादा लेट भी हो गया था, तब भी वहाँ पे भीड़ अच्छी खासी थी। मतलब इतने दूर से लोग आए थे केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और काफ़ी सच में वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा था हम लोगों को। मैंने तो 3-4 बार लाइन लग के मैंने दर्शन किया था, और मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। एक जगह किसी ने मुझे टोका भी था कि मैं आपको 3-4 बार देख चुका हूँ दर्शन करते हुए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और मैं ये वीडियो टाइम बाद में ये डाल रही हूँ यूट्यूब पे, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसका वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पा रही थी। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू डालूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ये अंकल जी हैं जिन्होंने पूरा एडवाइस किया है केदारनाथ का सेटअप। अंकल आप कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ पर केदारनाथ का ये पशुपतिनाथ मंदिर है, और चूँकि केदारनाथ का शिकार इसलिए कराया गया कि जब पशुपतिनाथ और केदारनाथ जी मिल जाते हैं तब एक ज्योतिर्लिंग होता है। तो शायद ये हमारा सौभाग्य, हमारे पशुपतिनाथ मंदिर में केदारनाथ जी का श्रृंगार हुआ है, और हमको आशा है कि प्रभु का आगमन हुआ है केदार बाबा का, इसकी वजह से इतनी भीड़ जनता उमड़ रही है। ये देखिए, मंदिर के अंदर गुफा बनाई गई है, पूरी बर्फ गुफा थी अंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं 2-3 बार आई थी। और इसके दूसरे राउंड में जब आई थी तब भैया ने मुझे कहा था कि मैं आपको 3-4 बार देख चुका हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को भी वीडियो का मज़ा आएगा। अब मैं आ रही हूँ दूसरी बार, और जो ये भैया सामने खड़े हैं इन्होंने ही मुझे बोला कि मैं आपको 3-4 बार देख चुका हूँ दर्शन करते हुए, और मुझे इतना अच्छा लगा था तो मैं क्या करूँ, मुझे बार बार मन कर रहा था कि मैं बार बार जाके
अंदर जाके दर्शन करूँ। पूरा बर्फ की गुफा बनी थी, काफी अच्छा लग रहा था। काफी कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया है क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी। आप लोग भी दर्शन करिए केदारनाथ जी का, और जो पशुपतिनाथ जो मंदिर है, जो उनका शिवलिंग है, उसको पूरा रूप दिया है केदारनाथ जी का। जो लोग आ नहीं पाए हैं केदारनाथ दर्शन करने, तो लीजिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ही कम लोग हो पाते हैं जो केदारनाथ दर्शन कर पाते हैं। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं जो हम लोग को अपने कानपुर में ही केदारनाथ जी के दर्शन करने को मिल गया। तो आप लोग भी इस वीडियो को देख के केदारनाथ जी के दर्शन करिए। यह है पशुपतिनाथ जी का पीछे वाला गेट, जहाँ से हम लोग दर्शन करके बाहर की ओर निकल लेते। और ये मंदिर केसा कॉलोनी मखीखेड़ा में है। यहाँ पे मेला लगा हुआ है, छोटे बच्चों के काफ़ी झूले थे और खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे। हम लोगों का तो मंडे का फास्ट था, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जो मम्मी की बचपन की फ्रेंड है, मम्मी को वो मिल गई थी, तो मम्मी के लिए तो खुशी दुगनी हो गई। एक तो बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने को मिल गए मम्मी को, और दूसरा अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलना हो गया। तो काफ़ी इन्जॉय किया मम्मी ने, हम सब लोग ने भी मिल के काफ़ी इन्जॉय किया। लास्ट में सब ने फ़ोटो क्लिक की। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा मेरी वीडियो को। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए।